दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने हमें मेल के माध्यम से ये पूछा था कि आज इस समय बुलेट इस ट्रेन की क्या स्थिति है, इसे विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बुलेट ट्रेन का पूरा डिटेल आज बताऊंगा। इंडियन रेलवे ने बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए एक अलग से डिवीजन बनाया है जिसका नाम है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इसने एक योजना बनाई हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की। इस परियोजना को भारत सरकार ने पास कर दिया और अब यह लागू हो चुकी है। बुलेट ट्रेन के लिए एक नया रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा। यह ट्रैक अहमदाबाद से मुंबई के बीच बनेगा जिससे कि बुलेट ट्रेन आराम से चल सके। इसकी जो पूरी यात्रा है वो 508 किलोमीटर की है, जिसमें से 350 किलोमीटर ये गुजरात से गुजरेगी, 155 किलोमीटर महाराष्ट्र से, और जो शेष रास्ता है वो दादर और नगर हवेली, जो कि एक राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य है, उससे गुजरेगी। ये ट्रेन महाराष्ट्र के 3 जिले, गुजरात के 8 जिले और दादर नगर हवेली के एक छोटे से रास्ते से गुजरेगी। और ये ट्रेन जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और साबरमती रेलवे स्टेशन से शुरू होगी या खत्म होगी। इस ट्रेन के जो कॉरिडोर है इनमें 12 स्टेशन है, साबरमती, अहमदाबाद, नडियार या आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई। अभी दोस्तों, जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच ट्रेन चलती है वो 60 घंटे की दूरी लेती है, 7 आवर्स की दूरी, लेकिन जो ये हाई स्पीड ट्रेन है वो मात्र 2 घंटे में इस दूरी को तय कर लेगी, क्योंकि इसकी जो प्रपोज वो है, क्या कहना, स्पीड है वो 350 किलोमीटर की है। दोस्तों, एक खास बात यह है कि बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो स्टेशनों के ऐसे डिजाइन बनाए जाएंगे वहाँ पे कि वहाँ की थीम जो होगी वहाँ के प्रसिद्ध चीजों के आधार पे होगी जो भी स्टेशन बनेंगे। और इस ट्रेन की जो लागत है वो दोस्तों बहुत ज्यादा है, 1,00,000 करोड़ रुपए है। इसके लिए जापान ऋण भी दे रहा है और उम्मीद है कि दोस्तों ये 2022 तक ये पूरी हो जाएगी इसकी योजना, और उम्मीद है जल्दी ही ये शुरू भी हो जाएगी 222 के बाद। बस एक बाधा है, वो है जमीन की, वो भी निश्चित है, जमीन अधिग्रहण का काम भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा।